स्टूडेंट उदय FCC, स्वागत है आपका FCC में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब इससे भी एक ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं इसमें। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, अब बताइए। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन जो होता है बाबू, वो दरअसल सर्कुलर मोशन में दो तरह का होता है। एक होता है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ये दो एक्सेलरेशन अगर है तो जरूरी बात है कि उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ ऐसा ड्रॉ किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सेंटर की ओर हो रहा है कि नहीं हो रहा है एसी। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, सेंटर की ओर। तो जरूरी है कि सेंटर की ओर जब एक्सेलरेशन है तो सेंटर से कोई फोर्स इसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा। यानी कोई भी फोर्स सेंटर से, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को चलाने के लिए काम आता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम लोग डिनोट करते हैं FC से। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है। व्हाट इज FC? FC इज द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसीलिए फोर्स का जो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल हम बोले मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा हो रहा है, AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू हम लोग पढ़ रखा था V² / R। इस हिसाब से क्या होगा, MV² / R। MV² / R जो है वो किसका फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये वैल्यू आएगा। क्लियर है बात, बताइए इतना। सेंट्रीपिटल फोर्स ये ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताएं, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्मली चलता है, अगर बाय द वे मान लीजिए, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इसका लॉजिकली आप सोचिए दिमाग में, कोई चीज़ जो सेंटर से उसको खींच रहा है तो खींचने की वजह से ये अंदर आ जाना चाहिए था। ठीक है, अंदर आ जाना चाहिए, मगर सर्कुलर मोशन में, कोई भी सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ कोई गिरता नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाता नहीं है, बल्कि हमेशा वो एक रेगुलरली सर्कुलर पाथ पे टर्न करता रहता है। तो इसके पीछे मत, हालांकि फोर्स FC तो यहाँ लग रहा है MV² / R, मगर वो अंदर की तरफ नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी हो जो सर्कुलर पाथ पे से टर्न करे, उस गाड़ी में आप मौजूद हो, ठीक है, तो आपको क्या फील होगा, आप तो अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप तो ऐसे सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या, आपको फील होगा कि हम रेस्ट पे हैं, सिंपली आपको लगेगा कि हम क्या वहाँ पे रुके हुए हैं, क्या कि हम अंदर की तरफ जा नहीं रहे हैं। और हमारा फोर्स क्या कहता है, FC तो लग रहा है, यानी हमारा कहीं ना कहीं हिसाब में गड़बड़ी है कि नहीं है। तो ये हिसाब में गड़बड़ी को सही करने के लिए हम एक करेक्शन करना पड़ता है। जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक हम फोर्स खुद से लगा लेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और उतना ही मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, तब ना ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा या हम रुके हुए रहेंगे, अगर हम सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तब। तो ये दरअसल ये इस तरह का फोर्स जो एज्यूम किया गया है दिमाग में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीडो फोर्स। ठीक है, ये है सीडो फोर्स। सिर्फ यहाँ पे नहीं लगता है, बहुत सारा आगे आएगा उसमें सीडो फोर्स काम करता है। दरअसल सीडो फोर्स वह फोर्स है जो हमारे जो एज्यूप्शन जो कॉन्ट्राडिक्ट जो हम लोग मान लिए थे उसको सही करने के लिए सीडो फोर्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो सीडो फोर्स लग रहा है, जो किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड का, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ये दरअसल काल्पनिक बल होता है जो बैलेंस करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको बैलेंस किया जाएगा, यहाँ पे MV² / R यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। इस सर्कुलर मोशन में जब भी जहाँ भी जिस तरह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ जब काम कर रहा है, जिस वजह से भी कर रहा हो, चाहे वो फ्रिक्शन से करता हो या जो ग्रेविटेशनल फोर्स से करता हो, किसी वजह से करता हो, तो बाहर की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो कौन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल। एकदम ये न्यूमेरिकल के लिए एकदम दिमाग में रहना चाहिए, वो फोर्स काम करेगा तो करेगा।
ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही मैग्नीट्यूड है जो इसका, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर। मगर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये सेंटर का तरफ अलग है, वो सेंटर के बाहर की समझेंगे हम, ताकि सूडो फोर्स है। किस लिए समझेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में हम ऑब्जेक्ट क्या है, रुके हुए, तो उसमें मजबूरी हो जाता है फोर्स का ईजाद करना खुद से, इसीलिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ वजूद में आया है। समझ गए बात को, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।